हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल ट्रिक चैनल। आज मैं आसान तरीके से सेलिंग फैन वाइंडिंग करूंगा, बिल्कुल सही तरीका और सरल तरीके से हम सेलिंग फैन वाइंडिंग करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने आसान तरीका से सेलिंग फैन वाइंडिंग कोई भी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप पहले इसका साइज लेके और पीवीसी पेपर जो इसका कटिंग कर लीजिएगा और टोटल 14 स्लॉट है, 14 पीस कटिंग कर लेना आप। तो चलिए इस तरह से मोड़ लीजिएगा। आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप उसी तरह कीजिएगा तो बहुत जल्द सीख सकते हैं। एक पेचकस की मदद से जो है इसको मोड़ लीजिएगा। आप मोड़ के जो है कितने आसान तरीके से जो है ना इसके अंदर चला जाएगा स्लॉट के अंदर। देखिए कितने अच्छी तरह से ये सेटिंग हो गया। इसी तरह से पूरा 14 पीस जो कटिंग किया है 14 को मोड़ करके इसके बाद सभी को पिना के, तो चलिए और आगे दिखाते हैं। तो चलिए मेरा तो हो गया, एक बच्चा है इसको भी मैं पहना देता हूँ। आप इसी तरह पहना लीजिएगा। तो चलिए एक धागे की मदद से जो कॉइल का लेंथ है ना उसको नाप लेते हैं कि कितना बड़ा चाहिए, कॉइल का लेंथ कितना बड़ा होगा। अब इस धागे की मदद से जो है देख लीजिए किस तरह नापना है जो कि स्लॉट में जो है कॉइल लगाने में आसानी हो। बस सभी में इसी तरह जो है पहना लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, लूज ही रखना है, क्योंकि नहीं तो कॉइल जो है फिर बाद में टाइट हो जाएगा, लगाने पे दिक्कत हो जाएगा, लगेगा नहीं, थोड़ा लूची रहने पर सही रहेगा। और मैं इसका डाटा भी दे दिया हूँ, कॉइल का लेंथ का डाटा पूरा दे दिया हूँ, स्टार्टिंग कॉइल का डाटा दे दिया हूँ और रनिंग कॉइल का डाटा दोनों का दे दिया हूँ इस वीडियो में। अब अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसके बाद आप भी इस तरह से आप अगर नाप करके कॉइल को बनाते हैं तो आपको कॉइल जो इसमें पहनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये स्टार्टिंग कॉइल का और ये रनिंग कॉइल का दोनों का डाटा मैं दे दिया हूँ। चलिए अब मैं कॉइल जो है कॉइल को बनाता हूँ। देखिए मैं कॉइल बना लिया हूँ। अब डाटा में देख करके कितना राउंड कॉइल इसमें लगाया है, कितना राउंड आप देख लीजिएगा डाटा में। इसके बाद कॉइल को बना करके जिस तरह मैं पहना रहा हूँ इसी तरह कॉइल इसमें पहनना पड़ेगा, आप पहना भी लीजिएगा।
ये पीवीसी पेपर कटिंग करके इस तरह लगाने से थोड़ा कोयल में कट उठने होता है, आसान तरीके से जो है इसमें चला जाता है। इसलिए इसी तरह दो पीवीसी पर कटिंग करके एक इधर में और एक इधर में लगा दीजिएगा, और तब कोयल जो है आराम से जो है अंदर चला जाएगा, दिक्कत ना होगा। देखिए दोनों किस तरह मैं बना रहा हूँ। इस तरह कोयल गुथने से बहुत आसानी होता है। जिसके मालूम भी नहीं है वो भी इस तरह गुथ सकता है, इसमें कोई झंझट है ही नहीं। आप देखते जाइए और जिस तरह मैं गुथ रहा हूँ उसी तरह आप भी गुथिए। बस मेरा हो गया है पूरा, स्लॉट में मैं लगा दिया हूँ, बिल्कुल आसान तरीका लगा मेरे को इस तरह वाइंडिंग करने में। देख लीजिए कितना फिनिशिंग जो कि मस्त आया है। चलिए स्टार्टिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब रनिंग जो है इसमें पीवीसी पर लगा देते हैं और रनिंग कोयल को जो बनाते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं पीवीसी पेपर को जो है सारे स्लॉट में लगा देते हैं, इसके बाद कोयल को फिर से बनाऊंगा, बना के इसमें लगाएंगे। चलिए पूरे में लगा देते हैं। थोड़ा सा देखने में लगता है कि दिक्कत है, लेकिन लगाने में कोई दिक्कत नहीं लगता है। जब आप सोच लीजिएगा, ठान लीजिएगा, नहीं हमको इस तरह सीखना है, लगाना है, तब तो फिर कोई बातें नहीं। अब आसान आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान है। चलिए मेरे पूरे में मैं लगा दिया हूँ। अब चलिए इसको मैं भी नाप लेता हूँ कोयल का लेंथ क्या है। चलो मैं नाप लिया हूँ। स्टार्टिंग कोयल का जो धागे का मदद से जो नापा था जिस तरह, उसी तरह से मैं इसको भी नाप लिया हूँ, कोयल को बना लिया हूँ। चलो इसमें स्लॉट में लगा देता हूँ। जिस तरह स्टार्टिंग कोयल को लगाया मैंने, उसी तरह रनिंग कोयल को भी लगा रहा हूँ, और आप लोग भी उसी तरह लगाना है। थोड़ा रनिंग कोयल जो है लेंथ जो है बड़ा होगा, इसीलिए दो बार में नापना पड़ता है। स्टार्टिंग कोयल का अलग नाप होता है और रनिंग कोयल का नाप अलग होता है, वो तो मैं डाटा में दे दिया हूँ, आप देख करके उसी तरह बनाना है। दोनों कोयल जो वाइंडिंग है दोनों सेम ही है, इसमें कोनो चीज जो है अंतर नहीं है। आप देखते रहिए और मेरा वीडियो फुल देखिए, क्योंकि समझने में आसानी हो। और कोयल को जो खींच के रखना पड़ता है, जितने बार आप स्लॉट में डालिएगा टाइट करके, जो इस तरह टाइट करना ही पड़ता है, लूज नहीं रखना है,
लूज रखेगा तो लास्ट जो स्लॉट है उसमें लगाने में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए हर स्लॉट जो लगाने के बाद खींचना पड़ता है, थोड़ा खींच के रखिए तो आपको आसानी होगा, लास्ट स्लॉट में डालने में आपको आसानी होगा, इसलिए खींचते जाना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पर हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो आते रहेंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर किस्म का वीडियो मिलते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। छोटा सेलिंग फैन, फराटा फैन, कूलर मोटर फराटा फैन, छोटा टेबल फैन और स्पीकर कैसे बनाया जाता है और 12 वोल्ट का बैटरी का चार्जर कैसे बनाया जाता है, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरा वीडियो को फुल वॉच करें और देखिए और सीखिए, सीखने का पैसा नहीं लगता है, फ्री में मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, सीख लीजिए और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए, मेरा लास्ट स्लॉट बचा हुआ है, मैं इसे भी स्लॉट में डाल लेता हूँ। जो छोटा वाला कॉइल है सबसे पहले उसी को इसमें डालना पड़ता है, नहीं तो बड़ा वाला डाल दीजिएगा छोटा वाला बाद में फिर से नहीं डलाएगा, इसलिए छोटा वाला ही डालना पड़ता है, इसके बाद बड़ा वाला डालना पड़ता है। मैं डाल दिया हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए, अभी धीरे धीरे डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से कॉइल को बैठा लीजिएगा। तो चलिए, मेरा हो गया है, अब मैं सीरीज बोर्ड से इसे पहले चेक कर लेता हूँ, इस वायर को पुलिस हटा करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा सही है, मेरा सही है। तो चलिए, अब इसे धागे की मदद से, ये वायर वाइंडिंग करते समय जो था टूट गया था, इसके कारण से स्लिप पैप लगा करके उसको धागे से बांध दिया हूँ। तो पूरे कॉइल को धागे से बांधने से थोड़ा सेपरेट रहता है, इसलिए धागे से आप भी बांध लीजिए, थोड़ा सेपरेट रहेगा, इधर उधर टच नहीं होगा, बॉडी में करंट नहीं आएगा, इसलिए बांध लीजिए। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों साइड में जो है अच्छी तरह से इसको बांध लीजिए, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों जो वायर हैं एक दूसरे में टच ना हो, ना बॉडी में टच हो, तभी जाके जो फैन शॉर्ट सर्किट ना होगा और टिकाव भी इसका अच्छा रहेगा। जल्दी शॉर्ट सर्किट ना होगा तो जल्दी जलेगा भी नहीं, हीट भी नहीं होगा, इसलिए बनना बहुत ज़रूरी है। और वायरलेस जो है इसमें डाल दीजिएगा तो और हैवी हो जाएगा, वायरलेस डाल दीजिए। तो चलिए, इसे मैं बांध लेता हूँ। तो मैं बांध लिया हूँ, देख लीजिए,
अब इसका कलेक्शन करता हूँ। अब दो दो रेड दो ब्लैक वायर ले लेना है। चलिए इसमें स्टार्टिंग में ब्लैक लगेगा दोनों वायर और रनिंग में दोनों रेड लगेगा। तो चलिए स्लिप पैप को कटिंग करके चार वायर में लगा लेना है। देख लीजिएगा इसका कलेक्शन ध्यान से। पहले इसका कलेक्शन करता हूँ मैं रनिंग का। रनिंग में रेड वायर में लगा देता हूँ, दोनों में लगा देता हूँ। देखिए कितने आसानी से इस पैप में चारों वायर को मैं पार करूँगा। देखिए कितने आसान से। अब इसमें बस आराम आराम से इसको खींच लेना है। देखिए कितने आसानी से मैं इसमें पार कर रहा हूँ। हो गया। अब एक एक वायर जो है इसको खींचना है, सेटिंग कर देना है। जिधर जिधर रहेगा उधर ही सेटिंग कर देना है खींच खींच के। देखिए मैं सेटिंग कर दिया हूँ और अभी इसका बनना पड़ता है। बनने से थोड़ा सुरक्षित रहता है। आप कोई धागे से भी बांध सकते हैं। मेरे पास एक ये बांधने वाला है, मैं इसी से बांध लेता हूँ। अब धागा से बांध लीजिएगा। तो चलिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें फिटिंग करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो चलिए मैं इसको कस लिया हूँ, बिल्कुल फ्री है, फ्री घूम रहा है। कंडेंसर को लगा देता हूँ और इसका आप कलेक्शन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं इससे पैप से चारों वायर को निकाल लेता हूँ, इसके बाद कलेक्शन करता हूँ इसका। ये कलेक्शन जो है आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेन कलेक्शन ही है, एक रेड एक ब्लैक दोनों वायर जो है एक ही में इसको जोड़ देना है। दो वायर रह गया उधर रेड ब्लैक, दोनों कंडेंसर में लगा देना है। और देख लीजिए मैंने लगा दिया है। और चलिए अब मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ ये फैन घूमता है या नहीं घूमता है। चलिए टेस्ट करता हूँ, सीरीज बोर्ड से चेक कर रहा हूँ मैं। पहले सीरीज बोर्ड से ही चेक करना चाहिए। देखिए फैन मेरा घूम रहा है। देखिए मेरा फैन ओके हो गया है। तो चलिए इसका भी कलेक्शन आप देख लीजिए। जो दोनों वायर को एक ही में जोड़े थे वो कॉमन वायर बन गया, वो सबसे ऊपर ही लगेगा। सबसे ऊपर में लगा दीजिए। इसके बाद एक कैपेसिटर का वायर और एक ब्लैक वायर जो बचा था वो बीच में लगा देना है। तो हो गया। अब इसके बाद एक रेड वायर और एक कैपेसिटर का वायर दोनों लगा देना है नीचे में। देख लीजिए सबसे नीचे लगेगा।
तो इसे भी लगा देते हैं। इसके बाद इसको टेस्ट करते हैं घुमा के। तो चलिए बोर्ड में लगा दिया हूँ, इसे घुमाता हूँ। देखिए मेरा फैन घूम गया है, बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। मेरा वीडियो लास्ट तक देखे इसलिए थैंक यू। इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।